चार मीनार बस स्टैंड के करीब जहां पर ऑटो स्टैंड भी है, वहां पर ऑटो वालों की वजह से न सिर्फ राहगीरों बल्कि दूसरे सवारियों और बस ड्राइवर्स को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर्स बीच सड़क पर अपना ऑटो खड़ा करते हुए ट्रैफिक में खलल पैदा कर रहे हैं और उन लोगों की इस तरह की हरकत की वजह से वहां से बड़े गाड़ियों को गुजरने में काफी सारी मुश्किलात पेश आ रही है। इसी तरह के एक वाकये में एक ऑटो ड्राइवर ने बस पर पथराव करते हुए बस के शीशे तोड़ दिए और ऑटो ड्राइवर ने बस ड्राइवर और कंडक्टर से भी नाशाइस्ता अल्फाज में बातचीत करते हुए उनके साथ गाली गलौज की। वाकया बस इतना सा था कि बस के वहां से पलटने के दौरान एक ऑटो को बस के जरिए से छोटा सा धक्का लगा, जिस पर बरहम ऑटो ड्राइवर ने उस तरह बस पर पथराव करते हुए बस को नुकसान पहुंचाया। बस ड्राइवर ने भी वहीं बीच सड़क पर बस रोक दी और डायल 100 के जरिए पुलिस को इस बात की इतला दे दी। इतला के साथ ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर बस को वहां से हटवाने के काम किए। यहां पर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर भी बड़ा सा सवाल या निशान लग जाता है, क्योंकि आजकल ट्रैफिक पुलिस वालों की लापरवाही और नजरअंदाजी की वजह से ही ऐसे हादसा पेश आ रहे हैं, जिससे अवाम को काफी सारी तकालीफ का सामना भी करना पड़ा है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात मुतासरा बस ड्राइवर की जबानी। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताजा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। भैया मेरा छोटा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चामनार के जो आठवां टर्निंग पे रख रहे आरटीसी वालों को आने जाने पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा भैया, और छोटा रिक्वेस्ट है आईना भी फोड़ा आप लोगों के सामने दिख रहा शायद आप। कौन फोड़े है ना? मेरा 100% ऑटो ड्राइवर है उन्हें। अच्छा, कहीं को फोड़े गाली गलौज कुछ भी नहीं, उससे अपने से उन्हें कौन है अपन कौन है उसको मालूम नहीं, उसको हटाओ करो बोले कुछ भी नहीं, वो हटाओ और सो ऑटो निकल गए। जो हमारा सामने ऑटो लगाया वो भाई जब ऑटो निकालो बोले सा भाई दो मिनट में उनको बिठा रहा हूँ बोला, दूसरा भाई आ गया भाई बड़े भाई ऑटो जरा आगे बस निकालो बोले सर। ऑटो का नंबर देंगे आप? नहीं भैया उतना अपन नहीं चाहते। चेहरा देंगे आप? हाँ चेहरा देखे तो सूरत देखे तो पहचान तुम बोलो ना भैया, ऐसा होने का थोड़ा बाला है कुछ। हाँ करे साहब 100 को करे, पुलिस वाला भी आया 100 नंबर वाला, फिर आप मेरे फोन करे आया बोले तो आया बोले सुनो रख दिया, पुलिस वाला बाजू कटा बोलते गाड़ी बाजू लगाया, अब मीर चौक PS को आके कम्प्लेंट दो बोले सब। मगर हुसैन आलम वो SI मुगलपुर हमारे SI तो उन्हें वही बोल रहा है, SI आए थे वो SI साहब बोल रहा वो आके कम्प्लेंट दो बोलते ठीक है। हाँ सर हुसैन आलम से PS को थोड़ा बाजू दबाए तो हम लोग भी खुशी से निकल जाते। आप बहुत प्रॉब्लम साहब क्यों बोलते हो, यहाँ ऑटो आ रहे थे बाजूक वाला गाड़ियाँ जाते रहे थे पब्लिक जाते रहे थे, वो क्यों बोलते हो बाजूक वाला आके अरे भयंकर कैसा जा रहा है ऑटो का बस कैसा चला रहा है बोलते इनको ऊपर गालियाँ दे रहे हैं, क्यों बोलते हो ना अपन भी इंसान है एक गालियाँ बोलते सुन सकते रोजाना बोलते गालियाँ अपन भी जरा हम लोग भी बहुत तकलीफ बोलते बोल भी नहीं सकते आर्टिस्ट वालों को ऐसा है।